नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। और इस समय हम लोग हैं हसनपुर के पास के काशीराम कॉलोनी में, जहाँ लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। और आइए हम उन लोगों से जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में कि उनकी क्या समस्याएं हैं। जी आपका मेरा नाम है। क्या समस्याएं हैं आप बताइए। समस्या है, यहाँ पर गंदगी बहुत रहती है। हर विधायक हर चेयरमैन ये कहेंगे मैं कराऊंगा वो कराऊंगा, लेकिन इनका कहना ये है कि यहाँ जो पानी भर विधायक हैं वो कुछ नहीं करा। मैं कहूँगा प्रशासन अगर कोई इधर देखने के लिए तक नहीं तैयार है और लोग काफी परेशान चीज को लेकर यहाँ लाइट ये महिलाओं से क्या कहना चाहती है। नालियाँ सारी टूटी पड़ी है, कोई भी आने वाला ना आता। कोई सारी नालियाँ टूटी पड़ी है। देखिए यहाँ कोई नाली की कहना है कि यहाँ पड़ी है, कौन पे दिखाएं। देखिए किस तरीके से तार एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, यहाँ लाइट भी नहीं है और ये लोग काफी परेशान है। और आइए और आगे देखते हैं इन लोगों के साथ क्या क्या परेशानियां हैं। काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं और महंगाई की मार से भी ये लोग काफी परेशान हैं। और देखिए ये देखिए कितनी गंदगी पसरी हुई है, लगता है कि यहाँ सालों से कोई सफाई नहीं हुई है। इधर इधर देखिए देखिए यहाँ कोई बच्चा कभी भी देख सकता है। ये प्रशासन कोई ध्यान इधर इस कॉलोनी की तरफ, इस कॉलोनी के लोगों की तरफ नहीं दे रहे हैं। देखिए देखिए कितनी गंदगी है यहाँ। यहाँ आइए जानते हैं हम इनसे ये क्या कहना चाहते हैं इसका। जी देखिए ये इधर कितनी गंदगी है, यहाँ कोई कोई मतलब सरकार का नुमाइंदा इधर आके ऐसा नहीं है कोई। यहाँ देखिए देखिए कितनी गंदगी है इधर, कितनी गंदगी पकड़ी हुई है। ये नाली नीचे कोई सफाई नहीं हुई है यहाँ। मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, यहाँ सफाई कब से नहीं हुई? बताने दिनों में आपने इसकी कोई शिकायत नहीं की? एक साल हो गया सफाई तो नहीं हुई। देखिए इनका कहना है कि यहाँ एक साल से कभी आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं, नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। और इसके बारे में हम और जानते हैं। भैया आपका नाम? मदन। मदन जी क्या आप बताएंगे कि यहाँ सरकार? हाँ जी भैया जी, मैं बताता हूँ आपको यहाँ क्या है। चेयरमैन के पास जाओ शिकायत करने, बोला वहाँ जाओ, शिकायत वहाँ कर देते हैं, बोले आदमी भेजूंगा। वो आगे विधायक के पास जाओ तो कोई आदमी नहीं आता। साल भर से साल में एक बार आ गए, उसके बाद चले जाते हैं। चले गए बोले धो छोड़ देते हैं, बोले किसी से शिकायत करो हम नहीं जा रहे। देखिए देखिए यहाँ सरकार के लोग किस तरीके से एक दबंगगिरी के साथ ये सरकार चला रहे हैं। इन लोगों को डराते धमकाते हैं, इनसे कहते हैं कि आप जो शिकायत करेंगे तो आप कहीं भी जाएं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। इस तरीके से बोलते हैं, काफी तरीके से इन लोगों को डराया हुआ है। ये लोग काफी सहमे हुए हैं इन लोगों से और जानते हैं इनसे। और हम क्या कह सकते हैं भाई, जब हमारे कोई सफाई नहीं होगी तो हम तो खुद ही डर के रहेंगे। हमारे बाले बच्चे हैं छोटे छोटे, जब नहीं आते हैं यहाँ पे तो हम खुद ही करते हैं। लाइट की सुविधा हुआ जंगल से आते हैं, बाहर लाइट लगी थी वो भी उतरवा दी गई थी, समझे, उतरवा दी है। जंगल में लाइट आते हैं, रात को डर लगता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बेटी आ रही है, उसमें कोई रात में कोई हो जाए ऊंच नीच हो जाए तो बताओ किसके कहेंगे हम। रात को कहाँ जाएंगे, थाने जाओ, थाने वाले कहते हैं जो आते हैं तुम्हारे झगड़े बहुत है, समझे। देखिए यहाँ इनका कहना ये है कि यहाँ महिलाओं को लेकर भी कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है, कोई सुविधा प्रशासन की तरफ से उन्हें नहीं दी जा रही है। ये लोग काफी परेशान हैं इधर, ना ही कोई शिक्षा की तरफ कुछ जोर दिया जा रहा है। देखिए मैं कैमरा मैन से कहूँगा, देखिए ये बच्चे किस तरीके से घूमते नजर आ रहे हैं। कोई एक मतलब सभ्य सोसाइटी का यहाँ कोई देखने के लिए ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिल रहा है, जिससे कि हम कह सकें कि काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोग सभ्य लोग हैं। सरकार का मदद है वो सरकार की पहुँचाई जा रही है। देख रहे ऐसा लगता है कि यहाँ इस कॉलोनी में कई साल से कुछ नहीं हुआ हो। इधर ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ काशीराम कॉलोनी का। देखिए इधर बाहर पशु बंधे हुए हैं और मैं आगे चाहूंगा कैमरामैन से कि वो यहाँ दिखाएं इसे आकर के कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था का क्या जो माहौल चल रहा है, यहाँ काफी कमजोर अवस्था में है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। देखिए किस तरीके से स्कूल के पास गंदगी है, देखिए किस तरीके से फैली हुई है सारी गंदगी। और आगे ये देखिए ये आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ का, जो गर्भवती महिलाओं को पोषण दिया जाता है। तो यहाँ देखिए कितनी गंदगी है, यहाँ लगता है कि यहाँ कोई जैसे रहता ना हो, मानो ऐसे खाली एक वीरान जगह के लिए पड़ी हुई है। तो यहाँ हम जानते हैं इन लोगों से इसके बारे में, इनका क्या कहना है। जी भैया, ये कौन सा स्कूल है अपना? यह सरकारी स्कूल है जी, प्राइमरी।
इसमें कौन पढ़ाती है, कौन सी लेडीज बोलते हैं? क्या बोलते हैं ये आंगनवाड़ी का वो है भाई, सही है वो आंगनवाड़ी इसमें होना चाहिए नहीं, वो अपने कमरे में क्यों पढ़ाएंगे भाई? आंगनवाड़ी वाले जो अपने कमरे में क्यों पढ़ाएंगे भाई की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी गई है यहाँ, और यहाँ कोई भी यहाँ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये आंगनवाड़ी का है, ये भाई सरकारी स्कूल है, यहाँ आंगनवाड़ी का है सब कुछ, यहाँ अपने कमरे में पढ़ाती है, बच्चों को बैठा लेती है, आंगनवाड़ी का कोई वो नहीं है। वैसे तो सब कुछ मिलता है तो अपने घर में घुसेड़ लिया। आंगनवाड़ी से जो पोषण मिलता है वो आपके बच्चों को प्रॉपर हमारे क्या, मेरी बच्ची का नाम काट दिया, मेरी बच्ची का चार महीने दे, हर महीने देती अपने घर में खा, मेरे बच्चे का दुकान पे सब तीन साल के हो गए, मेरा नाम काट दिया। क्या नाम है आंगनवाड़ी का, क्या नाम है, क्या नाम है आंगनवाड़ी का? प्रतिभा, प्रतिभा नाम बताओ। बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, बहुत आक्रोशित है और बहुत ज्यादा दुखी भी है, कहीं अपनी परेशानी किसी के सामने दबाव में लिया जाता है। जी दूसरी कौन है? गीता, इनसे बात। गीता जी दूसरी, ये आंगनवाड़ी की दुकान है भाई, मैं इनसे जानना चाहूंगा और ये अपनी परेशानी के बारे में। जी माँ जी, हमारे मैंने कर दिया शर्मा जी ने, वहाँ पे जब बांटता है पे बांटता है, राशन किधर बांटते हैं? शिवाले पर, शिवाले पर राशन बांटते हैं। मैं बताऊंगा देखिए सरकार के गरीब लोगों ने गरीब लोगों को परेशान है ये लोग। मैंने 10-6 एकड़ पर भी फोन करा था, उन्होंने कहा आगे पहुंचा दिया, अब पता नहीं मिलेगा ये देखिए। इन्हें 10-6 एकड़ पर इन्होंने कॉल किया था तो इन्हें आश्वासन दे दिया गया, लेकिन अभी तक